बोरुंदा कस्बे के बस स्टैंड पर दुकान पर पोस्टर लगा रहे युवक को करंट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचा जहां उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद जोधपुर रेफर किया गया। सूत्रों के अनुसार बस स्टैंड के पास श्री हरियादास स्कूल जाने वाली मुख्य सड़क पर एक दुकान के ऊपर रामोतार पुत्र नाराम बेड़ा निवासी कोंदू व एक अन्य व्यक्ति मंगलवार रात्रि को 9 बजे करीब पोस्टर लगा रहा था। उसी दुकान के ऊपर से ही एक विद्युत लाइन निकल रही थी। पोस्टर के चारों तरफ लोहे की फ्रेम थी जो विद्युत लाइन की चपेट में आ गई, जिसे युवक करंट की चपेट में आ गया। करंट का झटका लगते ही युवक दुकान की छत पर गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया तथा उसके साथियों ने चिल्लाकर खुद को बचाने की कोशिश की तथा घटना होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ हो गई तथा आसपास के ग्रामीणों ने उसको बचाने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि करंट की चपेट आते ही आसपास के लोगों ने हाथों में बांस की लकड़ी लेकर उसको बचाया गया। विद्युत विभाग को घटना की सूचना देकर तुरंत लाइट कट गई। करीब 10 मिनट तक वह छज्जे पर पड़ा रहा, नीचे उतारा गया था। घायल अवस्था में कस्बे की राजकीय रूप सुकुन चिकित्सा लाया गया, जहां चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विक्रम चौधरी व मेल नर्स रामकिशोर जांगिर द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया गया। घटना की सूचना पर थानाधिकारी हुकमगिरी मय जाप्ता अस्पताल पहुंचे तथा घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए विभाग के सहायक अभियंता राजेश देवड़ा को लाइट सुधार करने के लिए मौका निशन कार्य करने के लिए कहा, जिस पर बिजली की टीम पहुंची तथा विद्युत विभाग को बहाल किया। वहीं ग्रामीणों की जानकारी पाते ही अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई तथा घायल को प्राथमिक उपचार करने के बाद जोधपुर रेफर किया गया।